गज रेल है और पिन्नियों के बारे में सोच रही है इंसान बेचारे की हालत क्या हो रही है सर्दी में वो कैसे बढ़ाएंगे। मॉर्निंग। सो आज व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं काफ़ी टाइम के बाद। बड़ी अच्छी धूप निकली है, सर धोया मैंने एंड मैं बाहर बैठी हूँ धूप में। सो आज हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं। एक्चुअली जैसे मैंने बताया था कि हमारा घर रेनोवेट हो रहा है ना, उसके लिए कुछ टाइलिंग वगैरह देखनी है, सम अदर स्टफ टू डू। सो आई थॉट आई एम गोना रिकॉर्ड अ व्लॉग टुडे, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच द रेस्ट ऑफ द व्लॉग। आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा होगा, आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड रीडिंग दिस बुक एंड इट्स एक्चुअली वेरी नाइस बुक। तो अगर आप यू लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड समथिंग वेरी नाइस फॉर ऑल द क्रिएटिव पीपल आउट देयर, यू कैन गो फॉरवर्ड विद दिस बुक, लव इट। फाइनली हम घर से निकल गए हैं, 3 बज गए हैं, संडे तो थोड़ा बहुत डिले तो हो ही जाता है। सो अब पहले जा रहे हैं टाइल्स देखने के लिए। पूरे घर की टाइल्स फाइनलाइज हो गई हैं बट अभी फिलहाल सिर्फ किचन की रह गई हैं। सो वो हम लोगों को फाइनलाइज करनी है कि कौन सी लेनी है कौन सी नहीं। सो वी आर ऑन अ वे, वहाँ पहुँच के मिलते हैं। ऑल्सो आज मैंने कुछ अलग पहना है, शर्ट विद अ हाफ स्वेटर। एक्चुअली गर्मी बड़ी ज़्यादा हो गई यार एकदम से, गुड थिंग सर्दियाँ फाइनली जा रही हैं, आई एम सो हैप्पी। सो इसलिए अब थोड़ा सा ना लेयर्स कम पहननी पड़ेंगी आज और आगे भी होपफुली सर्दी वापस ना आए, फिंगर्स क्रॉस्ड। वैसे तो आप कहते हैं बहुत ठंड है, अगर सर्दी नहीं पड़ेगी तो गर्मी ही पड़ेगी तो क्या होगा। पर सर्दी अच्छी नहीं होती ना, थोड़ी थोड़ी सर्दी ठीक है, इतनी ज्यादा नहीं ना, पागल ही हो गए हम लोग सर्दी में। हर एक मौसम जरूरी है, पिनिया कब खाएंगे गजरेला यार। मम्मी मम्मी ये सिर्फ गजरेला है और पिनियों के बारे में सोच रही है इंसान बेचारे की हालत क्या हो रही है सर्दी में वो कैसे बढ़ाएंगे। जो दरवाजे वगैरह होते हैं उनके लिए हम लोगों ने वुड खरीदा था, तो वो वुड रखना पड़ता है सूखने के लिए फॉर अबाउट 3-4 मंथ्स, सो दैट वो जितना भी वो डैम्पनेस है उस अंदर से वो निकल जाए। सो वहाँ पे हम लोग अभी आए हैं देखने के लिए एक बार उसको, उसकी साइड टर्न करने के लिए। सो किसी को बोलेंगे साइड टर्न करने के लिए, सो दैट उसकी जो दूसरी वाली साइड है वो भी अच्छे से सूख जाए ताकि जो डोज वगैरह बनने हैं वो जल्दी से बन सकें, बिकॉज आई जस्ट कांट वेट टू शिफ्ट बैक टू माई हाउस, आई एम रियली टायर्ड। अभी दूसरी जगह पे रहना ना बड़ा टफ हो जाता है। सो अभी फाइनली ख़त्म होने वाला है काम, फिंगर्स क्रॉस जल्दी जल्दी हो जाए। भी लग रही थी भूख क्योंकि मैं लंच की आनी है, सो वी आर हियर एट मैकडॉनल्ड्स। स्टिल वेटिंग फॉर द ऑर्डर, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है। आई थिंक ज्यादा भूख लगी थी कि मुझे खाना ही भूल गई कि मैंने क्या ऑर्डर किया था, बर्गर्स मिल्क पफ एंड कॉफी, आइसक्रीम अभी बाकी। अच्छा मेरी है, थैंक यू। हाँ घर आ गए हैं वापस, इतना सब खाने के बाद मम्मी पापा को चाय पीनी थी, उनको घर की ही चाय पीनी थी इसलिए हम लोग घर वापस आए हैं। चाय पीने के बाद हम फिर से निकलेंगे, शायद मासी के घर जाएंगे, लेट्स सी। आ गए हम अपने नाइट वेयर में, जाना जो था वो कैंसिल हो गया है एज आई सेड। तो हूँ असी की करने वाले हैं, हूँ असी आई थिंक बैग है चिल करने वाले हैं। आई थिंक विल वॉच दृश्यम 2 बिकॉज मॉम डैड ने वो नहीं देखी है, मैं देखी हुई है सो मैं नहीं देखूंगी। आई विल प्रॉब्ली एडिट द वीडियो जो मैंने अभी ये रिकॉर्ड किया है वो एडिट करूंगी एंड आई होप आई एम एबल टू पोस्ट इट ऑन टाइम। आई विल मेक श्योर आई विल पोस्ट इट ऑन टाइम, आई हैव टू यू नो चेंज व्हाट आई स्पीक। सो या दैट इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई नो इट वॉज अ वेरी शॉर्ट वन बट आई विल बी ट्राइंग टू रिकॉर्ड लॉन्गर वीडियोज इसके बाद से।
पक्का से करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रीवियस वीडियोज एंड जो तुमने नहीं देखी है तो देख लो एंड अगे भी देखते रहो। थैंक यू सो मच एंड सी यू द नेक्स्ट ब्लॉग। एंड वन मोर थिंग, चाहे हम चेंज हो गया है बट इनमें वही कहूंगी, कीप स्प्रेडिंग दैट हैप्पी वाइब, खुशियां फैलाते रहो और खुश रहो। बाय बाय।